अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद सलीम और मार्केटिंग रिसर्च के चौथे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी दूसरे रिसर्चर ने किसी और मकसद के लिए जो प्रोजेक्ट या रिसर्च मुकम्मल की थी उसमें इस्तेमाल किया था और अब इस सेकेंड हैंड डेटा को हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम फर्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट करते हैं। तो नीचे अगर आप डिफरेंस देखें तो पर्पस वाइज जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए था, जबकि प्राइमरी डेटा हमारे अपने प्रोजेक्ट के लिए। जो सेकेंडरी डेटा होता है इसका प्रोसेस क्विक और इजी होता है, जबकि प्राइमरी डेटा टाइम टेकिंग होता है। सेकेंडरी डेटा लो कॉस्ट होता है और प्राइमरी डेटा में आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इसी तरह से सेकेंडरी डेटा में टाइम कम लगता है क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड है, जबकि प्राइमरी डेटा जो है इसको कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होता है। जी, अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो एडवांटेजेस जो हैं वो ऑब्वियस हैं कि इजीली एक्सेसिबल होता है, कॉस्ट कम होती है और क्विक टाइम में हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो डिसएडवांटेजेस हैं कि यह डेटा आउटडेटेड हो सकता है, मतलब जिस वक्त ये कलेक्ट किया गया था उस वक्त तो ठीक था लेकिन अब वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह से हो सकता है कि डेटा इररेलीवेंट हो, हमारी स्टडीज से मुताबकत ना रखता हो, और ये भी हो सकता है कि उस डेटा में गलतियां हों, वो एक्यूरेट ना हो। बहरहाल जो सेकेंडरी डेटा है इसके दो सोर्सेज हमारे पास हैं, एक इंटरनल सोर्सेज हैं और उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे सेल्स का डेटा है, ये प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ जो टाइम्स हैं, मसलन 2019 का डेटा, 2018 का डेटा या उससे पिछले सालों का डेटा, और ये बेस्ड ऑन टेरिटरी भी हो सकता है। मसलन हमें किसी खास एरिया का डेटा चाहिए, लाहौर में हमने समनाबाद में सेल्स का डेटा चाहिए, हमें DHA में सेल्स का डेटा चाहिए, हमें मुगलपुरा में जो सेल्स का डेटा है वो चाहिए, तो ये टेरिटरीज हैं। इसी तरह से कॉस्ट का डेटा, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, हमारे पास अकाउंटिंग का डेटा हो सकता है, शिपिंग का हो सकता है, सेल्स कॉल्स जो है उनका डेटा हो सकता है, इसी तरह से एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस का डेटा हो सकता है, क्वालिटी चेक्स का जो रिपोर्ट्स का डेटा है वो हो सकता है, कितनी सेल्स रिटर्न हुई, कितनी कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, यानी बहुत सारी फॉर्म में डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में जो सेकेंडरी डेटा हमारे पास होता है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि कहाँ से मिलेगा। तो यह लाइब्रेरी से मिल सकता है, मुख्तलिफ जो ट्रेड एसोसिएशन हैं वहाँ से मिल सकता है, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वहाँ से ये अवेलेबल हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे अगर आपने एजुकेशन सेक्टर का डेटा चाहिए तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या यूनिवर्सिटीज़ का डेटा चाहिए तो हायर एजुकेशन कमीशन है। इसी तरह से अगर आपको कंपनीज का डेटा चाहिए उनकी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तो SECP से मिलेगा, आपको बैंक्स का डेटा चाहिए तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, तो ये मुख्तलिफ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी हमें डेटा अवेलेबल हो सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये किन फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये पब्लिश सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, डायरेक्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं, या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। फिर हमें ये मुख्तलिफ डेटाबेसिस की फॉर्म में मिल सकता है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती हैं, जो वेब बेस्ड हैं, या ऑफलाइन भी हो सकती हैं, जैसे DVDs की शक्ल में। तो ये जो कंप्यूटराइज डेटाबेसिस हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स की हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसिस हैं जिसमें हमें बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, ये सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। इसी तरह से न्यूमेरिक डेटाबेसिस हो सकती हैं जिसमें आपको नंबर्स या स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो मिलेगा, और इंडस्ट्रियल डेटाबेसिस हो सकती हैं जहां पे आपको किसी खास इंडस्ट्री या किसी खास सेक्टर से मुतालिक डेटा अवेलेबल होगा। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो सिंडिकेटेड सोर्सेज हैं, और इनसे मुराद वो मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज हैं जो कि एक लार्ज सैंपल से डेटा कलेक्ट करती हैं और ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स को ऑन पेमेंट ये डेटा सेल करती हैं। ये जो डेटा है वो यूज़फुल हो सकता है जब आप मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ जाते हैं, या आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनानी है, या आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, वहाँ के लिए ये डेटा यूज़फुल होगा।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो सेकेंडरी डेटा है उसके बारे में पढ़ा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।